हेलो दोस्तों, हमारे पास आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसमें कंप्लेन है कि गाड़ी मिस फायरिंग हो रही है, और मिस फायरिंग होने की वजह बहुत सारी हो सकती है। चलो मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हमेशा मिस फायरिंग हो रही है तो हमेशा पहले इसके प्लग चेक करने हैं और इसका पेट्रोल चेक करना है। देखो, हमने इसका पेट्रोल भी चेक कर लिया है, एकदम सही है। तो हमने एयर फिल्टर बॉडी खुली ही रखी है, मैं आपको बता देते हैं। बाद में इसका हमने चेक किया, इसकी टोटल बॉडी ने वो सब क्लीन किया, फिर भी गाड़ी मिस फायरिंग हो रही थी। प्लग भी कर लिया है, फिर भी मिस फायरिंग हो रही थी। बाद में हमने इंजेक्टर पे चेक गए तो इसमें सर्विस कराने पड़ते हैं इंजेक्टर, क्योंकि गाड़ी 80,000 से ऊपर घूमी हुई है, तो इसके इंजेक्टर एकदम चौकअप हो चुका है। इसीलिए हम इसको सर्विस कराएंगे तो एकदम सही हो जाएगी। चलो हम इसको इंजेक्टर किस तरह बाहर निकालें, चलो हम आपको बताते हैं। तो इसके निकालने के लिए आपको फर्स्ट टाइम इसके फ्यूल की पाइप निकाल लेनी पड़ेगी और एयर फिल्टर बॉडी सब खोलना पड़ेगा। इसके टोटली 4 कपलर है, तो चारों 4 कपलर अपने निकाल लेंगे, बड़े ध्यान से निकाल। बाद में इसके ऊपर लॉक आते हैं, वो लॉक को ध्यान से निकालना है, क्योंकि वापस से भी हमें इसको सही रीत से बिठाना है। तो हमने इसको लॉक बॉक्स सब निकाल लिया है। बाद में इसके 2 12 के बोल्ट आएंगे, वो 12 के बोल्ट खोलेंगे तो इंजेक्टर बाहर आ जाएगा। देखो, हम पूरे 12 के बोल्ट खोल रहे हैं, ये 12 के बोल्ट हमने खोल लिए। तो इसको इंजेक्टर को हल्के से खींचना है, ज़्यादा खींचोगे क्योंकि प्लास्टिक का आएगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको ध्यान से निकालेंगे। देखो, हमने इसको निकाल लिया है, ये देखो कितना सारा छार, वो क्या बोलते हैं, ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से प्रॉपर स्प्रे नहीं हो रहे थे तो गाड़ी मिस फायरिंग हो रही थी। तो इसको हम सर्विस करेंगे तो एकदम सही हो जाएगी गाड़ी। देखो, चारों 4 इंजेक्टर चौकअप हो चुके हैं, तो हम इसको सर्विस में देंगे। देखो, हमने इसको ये तो निकाल लिया, पर इसको निकालने के बाद एक ध्यान रखना है कि ऊपर के साइड में बोरिंग आती है, बोरिंग फटने की वजह से फ्यूल लीकेज हो सकता है, तो इसको भी ध्यान से निकालना है। और अंदर के साइड में भी बोरिंग आती है रबड़ की, उसको भी निकालते टाइम ध्यान से निकालना है, क्योंकि वो भी फटेगी, आपका फ्यूल लीकेज होगा और गाड़ी वापस से मिस फायरिंग हो जाएगी। देखो, हमने सर्विस वगैरह सब करा लिया, बाद में लगा दी, तभी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी एकदम सही चल रही है, बिल्कुल भी मिस फायरिंग नहीं हो रही, दिख रही है आपको, एकदम सही गाड़ी चल रही है। और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।